नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर और हमारी राशियों की सीरीज पर, जिस पर श्री वीपी गोयल जी हमें विशेष रूप से बता रहे हैं। और आज हम मिस्टीरियस राशि, जो रहस्यमय राशि कही जाती है और बहुत कुछ अपने में छिपाए हुए रखती है, वृश्चिक राशि की बात करने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, सबसे ज्यादा मैं आपसे सबसे पहले नमस्कार करूंगी जो YouTube पर आपको नमन करते रहते हैं और कहते हैं हमारी नमन सर तक पहुंचा दे। जरूर भाई, सबको नमस्कार है मेरा तो जी। तो सर, आज हम वृश्चिक राशि, जो छिपी हुई भावनाएं, छिपी हुई आयु, छिपा हुआ ज्ञान, ना जाने क्या क्या छिपाया हुआ सर, उस पे बात करें। ये हम कुछ ज्यादा ही छुपी हुई राशि बोल देते हैं इसको। अच्छा जी सर। एक्चुअली कुंडली का आठवां भाव प्रत्यक्ष दुश्मन होते हैं और छुपे हुए दुश्मन वो 12th हाउस होता है जी। तो आठवां भाव एक कहा गया है कि वो गहरा गड्ढा है, डार्क गड्ढा है, ठीक है। उसमें क्या है, शत्रु तो आपके उजागर रहते हैं, परंतु आप क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखता है, वो सीक्रेट होता है। इसीलिए वृश्चिक को डिप्लोमेट माना गया है जी, कि दिल में क्या है और बोलता क्या है जी, उस तरह से छुपा हुआ है ये। जी सर, ठीक है, कि उसको आदमी को कोई भांप नहीं सकता, परंतु ये देखा जाए तो ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है 4-8 माह। हाँ जी। और वृश्चिक को समाधि भी बोलते हैं। जब मैं D20 बोलता हूं तो उसमें मैं बोलता हूं कि D20 में सबसे पहले वृश्चिक को देखो कि क्या वो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। अब इसी से लिंक होता है कि जो स्पिरिचुअल है वो बखान करने की चीज नहीं होती, वो आपके अंदर होती जी। तो इस तरह से ये गुप्त राशि है। बहुत बढ़िया सर, ये थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादातर हम नहीं समझते सर। ये सडननेस भी तो देती है। सडननेस है, जहां तक ये बात के मिस्टीरियस है, छुपी हुई है, छुपे हुए ना, वो नहीं है। हमारे अंदर में हम क्या छुपाते हैं सर, मैंने छिपा हुआ ज्ञान इसीलिए बोला। हाँ, ज्ञान है जी। तो हम शेयर नहीं करते, इसीलिए मैंने जो उदाहरण दिया वो डिप्लोमेट का, ठीक है। उसकी चाल कुछ और होती है, कहता कुछ और है, ठीक है जी। क्या हम अपने विश्लेषण पे आते हैं? हाँ जी सर जी, तो हम करते हैं हमेशा जी। अब यहां देखो, सबसे पहले चंद्रमा को पकड़े जी, चंद्रमा अब नवमेश हो जाते हैं और लगन में वो नीच के होते हैं जी सर, ठीक है जी। तो इसलिए, परंतु चंद्रमा के मित्र हैं। अब जब भी चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, विशेषकर वृश्चिक राशि के लिए, तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धर्म की तरफ जाता है। यहां पर चंद्रमा का उच्च का होना इतना अच्छा नहीं है,
जितना के नीच का हो, नीच का होने से वो धर्म धार्मिक प्रवृत्ति का होगा जी, ठीक है। और वो नीच का होगा तो लगन में जाएगा जी सर, ठीक। और नवम भाव को वो बहुत बली कर देगा लगन में जाकर के, तो रिलीजियस होगा आदमी, उसके गुरु परसेप्टर फादर वगैरह सबको बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे वो लोग होते हैं, इसकी मदद करते हैं। ये तो हुई चंद्रमा की। मैं ज्यादातर नीच का क्यों पकड़ता हूं कि लोग नीच का देख के घबराते हैं जी सर, और जबकि कहानी इसके थोड़ी विपरीत होती है जी, ठीक है जी जी। चंद्रमा के बाद हम आते सूर्य जी सर, सूर्य दशमेश है भाई जी, बहुत बढ़िया है। दशमेश होकर के वो न्यूट्रल हो जाते हैं, लघु पराशरी पढ़ रहे हैं हम तो, हाँ जी, के केंद्र अधिपति न्यूट्रल हो जाता है, पापी नहीं हो जाता, पापी कहते हैं शुभ हो जाता है, मैं कहता हूं ये न्यूट्रल। अब इसका जहां भी संबंध आता है, जिसके साथ संबंध आता है, सूर्य को वो डिसाइड करेगा जी, सूर्य के फल को वो डिसाइड करेगा जी, ठीक है। अगर उसका शुभ संबंध आ जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, त्रिषडाय से संबंध आ जाए तो वो इतना सुंदर नहीं रहता जी। सूर्य उच्च का हो और शनि से वो दोस्ती कर जाए तो बहुत ही उत्तम हो जाता है, बहुत बढ़िया। ये इसका एक बड़ा खास नियम है जी सर, तो अपनी लाइफ में बहुत हाई पोजीशन पे पहुंचता है जी, ठीक है। हालांकि यहां कह लो वो शनि पापी है, परंतु वो सूर्य को बल देता है जी, अगर सूर्य के साथ जी। इसके बाद हम आते हैं मंगल महाराज पे जी, मंगल खुद बहुत उत्तम है परंतु वो छठे भाव के भी मालिक, हाँ जी, लग्नेश भी है छठे भाव के भी स्वामी है। तो इसमें पराशर जी ने बोला है जब भी लग्नेश त्रिषडाय या त्रिक भाव के भी स्वामी हो जाते हैं तो उनके साथ शुभ संबंध होना जरूरी है जी, नहीं तो वो त्रिषडाय का फल नहीं। अगर मंगल शुभ संबंध में है तब ये अच्छा काम करेंगे। यहां पर इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, मंगल पर शुभ संबंध ज्यादा हो जी, केवल अशुभ संबंध हो तो वो नहीं। अब यहां पर एक्सेप्शन भी है जी सर, इस कुंडली के लिए, क्योंकि मंगल अगर शनि के साथ हो तब वो अच्छा है, ओके, ठीक है ना जी, क्योंकि शनि जो है वो मंगल के उच्चेश है, हाँ जी, ठीक है जी सर। तो ये यहां पर मंगल का होता है, मंगल का पाप संबंध नहीं होना चाहिए, इसमें शनि को मैंने एक्सेप्शन कर दिया। सर वृश्चिक में शनि की और मंगल की एक राशि केंद्र में और एक त्रिक में पड़ती है, मैं बोल रहा हूं ना, हाँ जी, कि शनि केंद्र स्वामी होकर के न्यूट्रल है जी सर, और त्रिषडाय का स्वामी होकर के वो पापी हो गया जी सर, परंतु वो मंगल के उच्चेश हैं, हाँ जी,
ठीक है, ठीक है। मंगल के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यदि दृष्टि सम शनि मंगल से त्रिक में बैठ जाए, मंगल से त्रिक में बैठ जाए जी, मंगल से त्रिक में बैठ जाए तो भाई बहनों को बर्बाद कर देगा जी सर, और खुद को भी कर देगा बिल्कुल। ये है चक्कर, है साथ में बैठ के नहीं करेगा जी सर जी। अब देखिए रिवर्स देखो ना, शनि को मंगल का बल मिल रहा है, लग्नेश है भाई जी सर, ठीक है, तो शनि अगर साथ में हो जाता है तो इतना बुरा नहीं है जी सर। मंगल के बाद लो बुध जी, अब बुध तो यहाँ पर बहुत ही अजीब ग्रह हो गए जी, ठीक है, क्योंकि वो अष्टमेश भी है और सबसे बलि त्रिषडाय के भी स्वामी और अष्टमेश के भी जी, तो बुध को यहाँ पर पापी माना गया है ओके, वृश्चिक के लिए। कब निवारण होता है बुध के पाप का? अगर वो अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो बुध बलि हो जाएगा, बिल्कुल, तो वो अच्छा फल नहीं देगा जी, जब बलि हो जाएगा तो अच्छा नहीं देगा, क्योंकि वो तो का मालिक है, खुद पाप ग्रह है, खुद पाप ग्रह है जी, पाप करें वो बलि नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो यहां ये चक्कर हो जाता है। अगर वो पीड़ित है थोड़ा सा, चाहे कहीं भी बैठा हो, उसको अगर थोड़ी पीड़ा हो जाए तो वो क्या करता है, आयु को तो थोड़ी कम करता है परंतु बाकी तकलीफ नहीं होती। तो मरकरी का जो है बुध का वो रोल थोड़ा सा अजीब हो जाता जी, ठीक है जी। मरकरी का एक बहुत बढ़िया देखो यहां पर जी, मरकरी स्पीच का कारक है। हाँ जी, मान लो मरकरी महाराज लगन में बैठ जाए जी, तो शत्रु की राशि में आ गए, हाँ जी, तो उसकी जो स्पीच है वो छुपी हुई हो जाएगी। मीनिंग ये है रियल चीज वृश्चिक का जी, कि जो बोलता है वो मीनिंग नहीं है, मीनिंग कुछ और है। इसको हिंदी में वाचाल बोलते हैं ना, बहुत बोलने वाला जी सी जी, और अगर शुभ संबंध आ जाए तो अति वाचाल हो गया। हाँ जी, तो ये एक बुद्ध के लिए बड़ा अजीब सा नियम है, क्योंकि तो कम्युनिकेशन का कारक है जी सर। आप संबंध आ जाए तो छुपा के बात को बोलेगा जी, सीधी सीधी बात नहीं बोलेगा और फिर अजीब तरह से वो होगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आता जी, वो खुद नहीं पता क्या बोल गया, तो वो वाचाल बना देता जी सर। तो बुध का उससे हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, बुध की राशियों में मंगल और मंगल की राशियों में बुध, ये दोनों को देखना पड़ता है जी सर। मंगल अगर बुध की राशि में आता है तो वो गाली गलौज कर लेता है जी, बुध अगर मंगल की राशि में आता है तो वो वाचाल हो जाता है, छुपा के बोलता है, छुपा के बोलना, या सर इसको हम गूंगी राशि भी बोलते हैं। नहीं, गूंगी राशि तो ठीक है जी सर, मतलब अब डिप्लोमेसी आ जाती है ना इंटेलिजेंस स्पीच में। हाँ जी सर, स्पीच में डिप्लोमेसी है, बिल्कुल सर। इसके बाद बुध के बाद आए बृहस्पति जी, बृहस्पति बड़े अच्छे ग्रह हैं वृश्चिक जी, धन और पंचम के स्वामी। हाँ जी, तो बृहस्पति को पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब ये धनेश भी है और पंचमेश भी, अगर इसका संबंध 11वें भाव से सेकंड भाव से आ जाता है या 5वें से आ जाता है तो धन देता है जी, पर अगर बृहस्पति पूर्ण पीड़ा में आ जाए, शुभ संबंध ना हो, तो इन दोनों भाव को बिगाड़ देगा जी, संतान को भी बिगाड़ और धन को भी बिगाड़,
इसलिए शुभ संबंध होना जरूरी है जी। अब ये त्रिकोण के स्वामी हैं, हाँ जी, यहां पर भी अगर केंद्र के स्वामी के साथ संबंध इसका हो जाता है शनि से, सूर्य से, शुक्र से, है नहीं, तो राजयोग बना जाएगा जी सर। राजयोग की बजाय ये ज्यादातर धन योग बनाता है जी, सेकंड का नॉर्ड है जी। तो ये धन योग बनाता है ज्यादा पोजीशन के साथ धन योग। उसके बाद है शुक्र महाराज। अब शुक्र महाराज यहाँ केंद्र अधिपति है और ट्वेल्थ लॉर्ड है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ट्वेल्थ लॉर्ड से भी न्यूट्रल है, केंद्र अधिपति हुए तो न्यूट्रल हो गए जी। ठीक है, अब ये संबंध कैसा है उस पे चलते हैं। शुक्र जो शुक्र उच्च का हो जाए तो विवाहित जीवन बर्बाद हो जाएगा। ट्वेल्थ लॉर्ड है और सेवेंथ लॉर्ड उच्च का हो गया तो पति या पत्नी उच्च की मिलेगी जो दबा के रखे। ठीक है जी, ठीक है सर। अगर वो नीच का हो जाए शुक्र तो पति या पत्नी बहुत अच्छी मिल जाती। अच्छा है नहीं, मजे की बात जी सर। अब तुम्हें कुंडली याद आ रही होगी कोई, ठीक है, जहां पर शुक्र नीच के हैं ग्यारहवें भाव में तो शुक्र का ये हाल है, ये न्यूट्रल है। हाँ जी। एक और ये मारक भी है भाई शुक्र मारक है, मारक है, बृहस्पति मारक है जी। इन दोनों का संबंध धन तो दे देगा जी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण और सेकंड और ये सब जमीला भी कर रहे हैं जी, परंतु ये कष्ट भी देगा। शुक्र की दशा में कष्ट भी देगा और धन भी देगा, सब देगा परंतु थोड़ी तकलीफ के साथ जी। अब इसके बाद बच गए शनि महाराज जी सर। शनि महाराज की हम बात कर ही चुके हैं थोड़ी सी, हाँ जी, है ना जी, कि शनि इन इटसेल्फ वो अच्छे नहीं, पापी ग्रह हैं, परंतु अच्छेपन अपने संबंध की वजह से वो दे देते, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद हमने बात की थी कि त्रिशदाय के स्वामी अगर उपचय भाव से संबंध कर लेते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं जी सर। परंतु रहेगा वो भी शनि तो शनि ही रहेगा, थर्ड लॉर्ड ही रहेगा जो अष्टम से अष्टम है। हाँ जी, जितना ज्यादा बलि शनि होगा उतनी ज्यादा उसको कष्ट वाली मृत्यु मिलेगी। कष्ट वाली सर जी हाँ, क्योंकि थर्ड हाउस जो है जी, वो मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु के समय क्या होगा जी, वो थर्ड हाउस है। ठीक है, और शनि जो है वो पंगू कर देता है, लंगड़ा है, चलने नहीं देता, ठीक है ना, अगर वो बलि हो गया ज्यादा तो वो बिस्तर पर डाल देता है जी। ठीक है भैया जी सर, ये ज्योतिष है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करो। नहीं तो सर, इसमें भी बहुत सारी हमने बातें देखी है भाई। सर इसमें एक चीज और कि शुक्र और मंगल का संबंध ऐसा है वे हमेशा 1:7 एक्सिस होते हैं, चाहे ये हमेशा एक दूसरे के पंक्ति में होते हैं। तो ये स्त्री और पुरुषों की कुंडली में अलग व्यवहार रहता है इनका या एक ही रहता है?
नहीं, व्यवहार एक ही रहता है। जी आप ये देखो, सम सप्तम है ये, हाँ जी इनकी राशि। जी और जो सातवां भाव होता है वो शक्ति होती है। हाँ जी तो सूर्य बुध की, इसकी शुक्र की शक्ति मंगल है, हाँ जी और मंगल की शक्ति शुक्र। शुक्र इन दोनों को सेक्स से रिलेट किया जाता है। तो शुक्र सेक्स है, उसके लिए मंगल की ताकत चाहिए, शक्ति मंगल है। जी अगर वो पीड़ित हो गया तो सेक्स वीक हो जाएगा, वो ओके स्थान वीक हो गया उसका। इसी तरह से मंगल की शक्ति शुक्र है। जी इसी में शुक्र जो है वो पुरुष को दर्शाता है और मंगल स्त्री को दर्शाता है, एग को दर्शाता है, शुक्र सीमन को दर्शाता है। तो ये रिलेशन है। अरे ऋषियों ने बड़ा जबरदस्त तो सर इनको रूल इसमें दिया पीड़ा तो नहीं होनी चाहिए, मंगल शुक्र युति या दृष्टि हो तो? ना। युति जी हो जाए कोई जी बात नहीं है, परंतु जी अगर वो बलि हो जाते हैं, जी जो भी उसमें से बलि हो गया जी वो बढ़ जाता है। ओके मान लीजिए शुक्र बलि हो गया और मंगल से युति है, हाँ जी तो सेक्स डिजायर्स बहुत ज्यादा होते। मंगल बलि हो गया तो सेक्स प्रोवेसिस ज्यादा हो जाएगी, डिजायर कम। मतलब वो ज्यादातर उस तरह के सेक्स की तरफ नहीं जाएगा। ओके क्योंकि सर ये युति सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन जो है चर्चा में रहता है, इसलिए मैंने सोचा है आज आपके साथ नहीं थोड़ा। नहीं वही है इसका, ये सातवां भाव हाँ जी शक्ति है। जी सर ठीक है, जी सर ये ठीक ध्यान रखो बस। है सर, बहुत बढ़िया आपने सर समझाया, चलो क्योंकि ये एक बहुत रहस्यमय बात थी एक तरीके से, क्योंकि शुक्र के साथ संबंध देखते ही लोग सीधा सीधा करेक्टर पे लड़की स्त्री के तो उंगली उठा देते हैं सर। नहीं नहीं कर्मठ बता है ना उस। सर मैं इसीलिए ये बात यहाँ सामने रखना जा रही थी कि मंगल और शुक्र युति या दृष्टि संबंध इतना आप स्त्रियों की कुंडली के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग मत देख। नहीं अलग नहीं होता हाँ इसको, एक्चुअली जाकर के हमें नवांश में देखना नमांश में जी चाहिए सेक्स के, उसके लिए। जी अगर सर नवांश में ये युति या एक्सचेंज या एस्पेक्ट आ जाता है जी तो उसकी सेक्स डिजायर्स बहुत बढ़ जाती है। जी सर और उसमें भी बहुत सारी चीजें पाप हाँ अब छुप इसी को मैं बोल रहा हूँ आगे। जी सर ये अगर दशमांश में आ जाता है, दशमांश में भी तो हो सकता था मंगल बिल्कुल सर और बिल्कुल ये, तो वो कर्मठ हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। जी तो वो रोल अलग अलग है, नवांश में अलग है और दशमांश में अलग है। ठीक जी सर बहुत बढ़िया सर है चलो जी सर ओके। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और जिन व्यूवर्स को इंतजार था वृश्चिक राशि का, आज आपके सामने उनके रहस्य खुल चुके हैं, और हम कल फिर मिलेंगे अपने D3 परिवृत्ति त्रयाद्रेष्टकोण के लिए सुबह 10 बजे, और सर से हम और भी ज्ञान की बातें सीखेंगे। तब तक के लिए हम नई राशि के लिए इंतजार करेंगे। थैंक ओके यू सो मच, नमस्कार। नमस्कार।